हेलो एवरीवन, मैं अंकुश। आज मैं बात करने वाला हूँ डिस्क्रिप्टिव के पेपर की, जो SSC के एग्ज़ाम्स में होती हैं, CHSL और CGL की। हालांकि डिस्क्रिप्टिव एकमात्र ऐसा पेपर है जिसमें आपको ज़्यादा कुछ आपके प्रिपरेशन पे डिपेंड नहीं करता है, बहुत हद तक लक मैटर करता है। एक ऐसा पेपर है जिसमें जो लड़का तैयारी करने के बाद भी अगर मान लीजिए उसका रैंक 20,000 के पीछे है और वो डिस्क्रिप्टिव में हो सकता है जिसका रैंक 1 है उससे ज़्यादा मार्क्स लेते हैं, तो स्पेशली CHSL के एग्जामिनेशंस में डिस्क्रिप्टिव गेम चेंजर एक प्रकार से है। तो चूंकि मैंने कहा कि इसका मतलब ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन से कोई ज़्यादा फ़ायदा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या किया जा सके कि ये जिसमें जो लक फैक्टर है वो आपको फेवर करे। मैंने 7 डिस्क्रिप्टिव के एग्ज़ाम्स दिए हैं और मेरा कम से कम 43 भी आ चुका है, और ज़्यादा से ज़्यादा तो कुछ खास ज़्यादा नहीं आया पर 65 तक मार्क्स मैंने लाया है। और मतलब जैसे जैसे एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं डिस्क्रिप्टिव के, एक एक साल बाद मतलब जो भी अगला एग्ज़ाम रहा है उसमें मार्क्स इंक्रीज ही हुए हैं। तो जैसे डूज और डोंट्स होते हैं कि हर एग्ज़ाम में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इसमें क्या करना चाहिए इसके लिए तो कुछ ज़्यादा मैं बता नहीं सकता। बस ये कह सकता हूँ कि आप गलतियाँ कम करें, डोंट्स केवल इसमें ज़्यादा हैं कि आप देखिए जैसे पेपर्स में अभी इस बार तो प्रीसीजन आया था, तो प्रीसीजन के लिए तो एक अच्छा सा तरीका है, वो आप बुक्स वगैरह में पढ़ लीजिए कि भाई उसमें क्या क्या करना होता है। जैसे रिपीटेड जो शब्द होते हैं वो यूज़ नहीं किया जाता है, जैसे थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो ऐसे सब जो वर्ड होते हैं उनको ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता है, और कोई भी वर्ड उठा के हूबहू पैराग्राफ में से प्रीसीजन में रख नहीं दिया जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आप बुक्स वगैरह कोई भी पढ़ेंगे तो उसमें से पता चल जाएंगी। लेटर और एसे में क्या करना होता है, लेटर एसे का सबसे खास चीज़ है कि स्टिक टू टॉपिक। एक जैसे CHSL का जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसमें जनरली ज़्यादातर कोई ना कोई योजना से रिलेटेड सवाल आते हैं, तो उसमें बेहतर रहेगा आप प्रिपरेशन करके रहो। तो अगर आपको योजना पता है तो आपका जो फैक्ट होता है उस फैक्ट पे मार्क्स मिल जाते हैं। क्योंकि जब 2015 में हमने दिया था डिस्क्रिप्टिव का पेपर पहला, उस टाइम स्वच्छ भारत अभियान आया था, तो उसमें लोगों ने RTI की कॉपी मंगवाई थी, उसमें बताया गया था कि भाई फैक्ट्स पे भी मार्क्स मिल रहे थे, आपने स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड जो भी डेट्स वगैरह या फिर जो भी फंड्स वगैरह के बारे में लिखे हैं लोगों ने उन पर उन्हें मार्क्स मिला। CGL का बात करें तो CGL में क्या है कि बेसिकली फैक्ट्स वगैरह रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट एक चीज़ है क्वेश्चन जो है ट्रिकी रहता है। जैसे इस बार क्वेश्चन आया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल असेसमेंट, मतलब पर्यावरण के जो पर्यावरण का जो आकलन करते हैं उसके प्रभाव के बारे में लिखना है। तो लोगों ने मान लीजिए पर्यावरण, कुछ लोगों ने जो बहुत हल्के में टॉपिक को लेते हैं वो उन्होंने पर्यावरण के बारे में लिख दिया होगा, जिन्होंने जो हल्के में नहीं लेते हैं वो पर्यावरण के आकलन के बारे में। लेकिन चूंकि आपको अब लोग कहते हैं कि 250 वर्ड काफ़ी कम वर्ड होता है, अगर मान लीजिए किसी टॉपिक को हम लिख रहे हैं एलाबोरेट करके तो 500 वर्ड्स के आसपास रहना चाहिए। तो कुछ टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको स्टिक रहना है, मतलब एक पॉइंट पे स्टिक रहना है। अगर आप जितना ज़्यादा सटीक लिखिएगा उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा कोई भी टॉपिक, कोई भी अपना ऐसे जो आपका रहेगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि यू कांट स्कोर 80 प्री डिटरमाइंडली, मतलब पहले से डिटरमाइन हो के आप 80-85 आप स्कोर नहीं कर सकते। आप जो कर सकते हैं वो सिर्फ इतना है कि आप अपना जो भी नेगेटिव मार्किंग का चांसेस कम करें। अगर आप नेगेटिव मार्किंग का चांसेस कम करते हैं तो आप एटलीस्ट डिसेंट स्कोर, उसको जिसको आप 60-55, मतलब CHSL में 55 भी कभी कभी डिसेंट स्कोर हो जाता है, 60-65 CGL में आप स्कोर कर सकते हैं। और तो अब कहिएगा कि नहीं मेरे को इसमें भी मैक्सिमाइज करना है मार्क्स को ज़्यादा लाने के लिए, तो आप ज़्यादा लाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। आप मार्क्स कटे ना इसके लिए जो कर सकते करेंगे, बाकी लक पे है। कितने भी लोग कहें कि लक मैटर नहीं करता है तो करता है, लोगों के मार्क्स 70 से 45 आते हुए भी देखे हैं मैंने और 45 से 70 भी आते हुए देखे हैं। तो आप बस ऐसा कुछ ना लिखें अपने पेपर में जिससे आपका मार्क्स नेगेटिव हो सके, काटा जा सके, मिलना जो है वो एवरेज, एटलीस्ट एवरेज मिल जाएगा। तो बेहतर है कि आप अच्छी तरह से तैयारी के नाम पे बस वही जो टॉपिक्स प्रिपेयर करें कि ऐसा अगर कोई भी टॉपिक आए तो आप टू द पॉइंट लिख पाएं। और कुछ लोगों को टेंशन रहता है कि वर्ड लिमिट्स अगर क्रॉस हो गए तो
क्या प्रॉब्लम होगा। बेसिकली अगर आपका वर्ड लिमिट क्रॉस करना जस्टिफाइड है, जैसे आपने जो ऐसे लिखा है वो अगर ऐसे वो वर्ड लिमिट मान लीजिए 20 वर्ड या 25 वर्ड एक्स्ट्रा हो गया, तो अगर वो 20-25 वर्ड उस ऐसे को समराइज करने में जस्टिफाई करता है तो कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी भी मैटर करता है। लेकिन अब आप 50-100 वर्ड एक्स्ट्रा लिख दीजिएगा तो आपने जरूर ऐसा कुछ लिखा है जो और ज्यादा मतलब ऐसे को बढ़ाना चाह रहा है, तो ये चीजें ध्यान में रख सकते हैं। बाकी आपकी जो तैयारी है वो पीटी के लिए रहती है, तो सीएचएसएल में यही प्रॉब्लम है कि सीएचएसएल में थोड़ा सा लक फैक्टर बन जाता है, क्योंकि उसका जो 33% मार्क्स है वो डिपेंड करता है सिर्फ सिर्फ नहीं मतलब बहुत हद तक लक पे। आपकी प्रिपरेशन जो है बेसिकली लोग पीटी के पेपर के लिए करते हैं, सीजीएल में यही लक फैक्टर थोड़ा कम होता है, तो सीजीएल को मतलब ज्यादा लोग तवज्जो दे सकते हैं अगर मान लीजिए तैयारी पे ध्यान रखना है तो, नहीं तो सीएचएसएल जो है वो तो मान लीजिए कि जल्दी जॉब लेने के लिए 2 पेपर दे के जॉब मिल जाता है, इसमें 3-4 पेपर जो भी होते हैं। तो बस इतना ही है, टायर 3 की आप तैयारी करिए, आराम से करिए, टेंशन मत लीजिए, डूज पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, डोंट्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए कि क्या नहीं करना है पेपर में, क्या गलतियां नहीं करनी है। और ये इमेजिनरी यूएफएम के बारे में आपको कहीं ये जो एसएससी के वेबसाइट वगैरह पे या फिर जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आती हैं उनसे पता चल जाएगा कि इमेजिनरी यूएफएम क्या होता है। आपको कुछ ऐसा चीज नहीं लिखना होता है पेपर में जो भी जो आइदर क्वेश्चन में ना दिया हो या फिर जिससे कोई नाम निकल जाता है, कोई मतलब निकल जाता है किसी जगह का नाम, जो उसका मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई लेटर लिख रहे हैं, आपने पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लिख दिया तो वो चलेगा, लेकिन आपने कोई ऐसा नाम लिख दिया एग्जाम्पल अपने आप से ले लिया किसी इंसान के नाम के लिए, तो ये सब जो है इमेजिनरी यूएफएम के कैटेगरी में आ सकता है। यूएफएम होता है अनफेयर मीन्स, तो इन बातों का ध्यान रखें, बाकी अच्छा होगा सब। मिलते हैं फिर।